बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट होम रूल लीग। वेल, तो जैसा कि हमने एक इंडो पाक हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की हुई है और इस में हम प्री पार्टीशन को कवर कर रहे, तो उस टाइमलाइन के हिसाब से 1916 में होम रूल लीग का इवेंट हुआ था, तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। वेल, तो प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसको समझने की कोशिश करें कि होम रूल लीग कहते किसे हैं। सो होम रूल लीग का मतलब था सेल्फ गवर्नमेंट विद इन ब्रिटिश रूल, बट इट डजंट मीन दैट इट वाज अ कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर। क्लियर। वेल, इसके अलावा थोड़ा सा मैं इसकी बैकग्राउंड देती चलूँ कि होम रूल लीग किसने और किस तरह ये स्टार्ट हुई थी। तो एक्चुअली बात ये थी कि एक आयरिश लेडी थी जिसका नेम था एनी बसंत। एनी बसंत जो थी, ये चूंकि आयरलैंड में उस टाइम ब्रिटिश रूल चल रहा था और वहाँ पर भी सेल्फ गवर्नमेंट बहुत कामयाबी से चल रही थी, तो जब ये आयरिश लेडी 1893 में इंडिया आई, मींस एओह्योम के साथ जब ये इंडिया में आई, तो ये इस मकसद से नहीं आई थी कि वो आयरिश का जो कॉन्सेप्ट है होम रूल लीग का उसको डिवेलप करेगी, बल्कि ये एक थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया को ज्वाइन करने आई थी। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया क्या चीज़ है? ये एक्चुअली एक न्यू रिलीजियस मोमेंट था जो कि बुद्धिस्ट और हिंदुइज्म से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता था। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी ये न्यूयॉर्क में इस्टेब्लिश हुई थी, जबकि बाद में इसका जो हेडक्वार्टर था वो मद्रास में बनाया गया। तो ये एनी बसंत जो थी, ये उसी जो हेडक्वार्टर था मींस थियोसॉफिकल सोसाइटी, उसको ज्वाइन करने आई थी। सो 1914 में एनी बसंत जो थी वो अपनी तमाम थर एक्टिविटीज़ रिलीजियस एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म्स में लगा रही थी। कब तक? टिल 1914। बट जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ तो एनी बसंत ने क्या किया कि अपनी जो तमाम थर एक्टिविटीज़ थी उनको थर कर दी, चेंज कर दी, मींस के उन्होंने पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर लिया। और इसी अरसे में ही मींस 1914 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर दिया। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि इनकी इतनी फैन फॉलोअर्स पैदा हो गई कि क्या हुआ कि नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, शी स्टार्टेड द वीकली न्यूज़पेपर जिसका नेम्स थे कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया। ठीक है, ये दो न्यूज़पेपर वो वीकली शाया करती थी। सो थ्रू दीज टू न्यूज़पेपर ना सिर्फ ये थियोसॉफिकल कॉन्सेप्ट को लोगों तक पहुंचाती थी, बट शी आल्सो डिस्कस द पॉलिटिकल टॉपिक्स थ्रू दीज न्यूज़पेपर्स। मतलब ये है कि वो इस जो न्यूज़पेपर्स थे इसके थ्रू वो सेल्फ गवर्नमेंट की जो थीम थी वो लोगों तक पहुंचाती थी, उनमें अवेयरनेस लाती थी अबाउट दी सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। क्लियर। फिर क्या होता है कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस और आल इंडिया मुस्लिम लीग के दरमियान जो दिसंबर 1915 में सेशन हो रही थी, तो उस सेशन में क्या हुआ कि एनी बसंत ने अपना यही आइडिया प्रेजेंट किया, कौन सा? होम रूल लीग का। बट शी कुडंट कन्विंस कांग्रेस टू सपोर्ट देयर डिसीजन टू सेट अप होम रूल लीग। मतलब कि जो सेशन में शामिल लोग थे उनको इनका ये आइडिया पसंद नहीं आया। तो आप कहानी को समझने की कोशिश करें। ठीक है, कहानी में ट्विस्ट क्या आता है कि एक और शख्स इसमें ऐड हो जाता है जिसका नेम था बाल गंगाधर तिलक। 1914 में ये शख्स जेल से रिहा हो चुका था। अब ये शख्स कौन था? ही वॉज एन इंडियन नेशनलिस्ट। ठीक है, तो एनी बसंत जब 1915 में इसी होम रूल लीग के आइडिया को जब प्रेजेंट कर रही थी तो उस सेशन में ये बंदा भी मौजूद था। तो हुआ क्या कि बाल गंगाधर तिलक को उनका आइडिया पसंद आया और एनी बसंत से पहले पहले ही उन्होंने क्या किया कि अप्रैल 1916 में बॉम्बे में उन्होंने होम रूल लीग स्टार्ट कर दी। मींस के उनसे पहले ही उन्होंने इस आइडिया को अमलीजामा पहना दिया, जबकि
सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपना होम रूल लीग स्टार्ट किया हुआ था अलोंग विद हर थियोसॉफिकल फॉलोअर जिनका नेम था अरंडेल। ठीक है, तो यूं दो लीग्स बन गए थे, होम रूल लीग्स, एक बाल गंगाधर तिलक का था, ठीक है, और दूसरा एनी बेसेंट उनको लीड कर रही थी। तो इन दोनों लीग्स का जो गोल था वो कॉमन था, मींस इनका एजेंडा एक था, टू अचीव द सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। तो जो दो लीग्स बनी हुई थी तिलक और एनी बेसेंट की, ठीक है, तिलक जो था वो महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिरार एंड सेंट्रल प्रोविंसेस में काम कर रहा था और तकरीबन 6 ब्रांचेस उन्होंने बना रखी थी, जबकि एनी बेसेंट द रेस्ट ऑफ द कंट्री को रन कर रही थी, या उसमें उन्होंने क्या किए थे, तकरीबन 200 ब्रांचेस उन्होंने बना रखी थी। अब ये ब्रांचेस जो इतनी बनी हुई थी, ये इनका काम क्या होता था, इनका इनके कुछ गोल्स थे जिस जो कि वो इन ब्रांचेस के थ्रू इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों में वो फैला रहे थे। वो गोल्स क्या थे, सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, प्रमोशन ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन, डिस्कशन टू सेट अप एजुकेशन फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, अ लार्ज पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडियंस इन द ब्रिटिश एम्पायर। तो ये थे कुछ गोल्स जो कि इन ब्रांचेस के थ्रू वो लोग प्रमोट कर रहे थे। अब वो कैसे प्रमोट करते थे, इस मकसद के लिए वो रेगुलर लार्ज मीटिंग्स अरेंज करते थे जिसके थ्रू वो लोगों में सेंस ऑफ नेशनैलिटी या अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते थे। सो ड्यू टू द प्रीवेलिंग सिचुएशन ऑफ द लीग, क्या होता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो एनी बेसेंट को अरेस्ट कर देती हैं, ठीक है, 1917 में। तो इसके बाद क्या होता है कि पूरे नेशन में इनके खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो होम रूल लीग था वो ख़त्म कैसे हुआ, इसकी डिक्लाइन कैसे हुई। तो डिक्लाइन इसकी ऐसे हुई थी कि जब एनी बेसेंट जेल में थी तो लीग को संभालने के लिए कुछ मॉडरेट्स आगे आते हैं। मॉडरेट्स का मतलब है द एंशिएंट नेशनलिस्ट, ठीक है। जब ये आते हैं तो दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ये अनाउंस करती है या इस बात की यकीन दहानी कराती है कि हम कुछ रिफॉर्म्स लाने वाले हैं, ठीक है, मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, अब इन इसके बाद हम एक डिस्कस करेंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये ऐलान करवाती है। तो इसके बाद क्या होता है कि मॉडरेट्स जो थे वो फर्दर इस मोमेंट को आगे नहीं चलाते। तो एक रीज़न ये था। सेकंड रीज़न इसका ये था कि जब एनी बेसेंट सितंबर 1917 में जेल से रिहा होती है तो वो फिर इस काबिल नहीं होती कि वो लीग को फॉर्म लीडरशिप प्रोवाइड कर सकें। तो सेकंड रीज़न इसका ये था। थर्ड रीज़न इसका ये था कि सितंबर 1918 में जो बाल गंगाधर तिलक होते हैं वो इंग्लैंड चले जाते हैं, ठीक है। तो यूँ इस वजह से भी लीग जो था वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो इन तमाम वजूहात की वजह से, मींस के जो तिलक था उनकी एब्सेंस की वजह से या एनी बेसेंट की वीकनेस या इनेबिलिटी की वजह से जो मोमेंट था वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है या कोलेप्स होना शुरू हो जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी होम रूल लीग। होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड दिस, बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू राइट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।